नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध अथ द्वितीयोध्याय दूसरा अध्याय। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर दे न सके। बोले, उद्धव जी महाराज की जय, विदुर जी महाराज की जय। जब वे उद्धव जी 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। यह अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतर कर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछ कर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं? ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय ये मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ ही एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतरयामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं और
इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। अरे वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। यह हो सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के ये गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई थी। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर व्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिप कर रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आ आ कर मुझे बेचैन कर डालती है। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। उन्होंने जो देव की वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं।
इंद्र आदि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की भेंटें ला ला कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसके शरण ग्रहण करें। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूं, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। यह हो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहां भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। बाल कृष्ण लाल की जय। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह सावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। बोलिए गोविंद गोपाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों को और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी।
भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ये व्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। बोले रास विहारी भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।